दोस्तों एनसीबी की पूछताछ में आर्यन खान फूट फूट कर रो पड़े। शाहरुख खान के लाडले बेटे को एनसीबी की टीम ने रंगे हाथों क्रूज पार्टी से गिरफ्तार किया था। इसी दौरान जब एनसीबी के अधिकारियों ने आर्यन से पूछताछ की तो वे अपने आंसू नहीं रोक पाए और फूट फूट कर रोने लगे। सूत्रों के अनुसार कानूनी प्रतिक्रिया के तहत एनसीबी ने अपने लैंडलाइन फोन से आर्यन की शाहरुख खान से करीब 2 मिनट तक बात भी करवाई। आर्यन ने एनसीबी के सामने यह कबूल किया है कि वो पिछले 4 सालों से ड्रग्स ले रहे हैं। भारत ही नहीं यूके और दुबई जैसी जगहों पर भी उन्होंने ड्रग्स का सेवन किया है। एनसीबी ने आर्यन अरबाज मर्चेंट समेत केस के अन्य आरोपियों का फोन जब्त करा, सारे मैसेज खंगाले और साथ ही इन सारे फोन्स के मैसेजेस खंगाले। उस जांच में ये पता चला कि आर्यन कई ड्रग पेडलर्स और ड्रग सप्लायर्स के टच में थे। उन सबूतों के आधार पर ही एनसीबी ने आर्यन और अरबाज को आमने सामने बिठाया और सवाल जवाब किए। एनसीबी ने टिप के आधार पर क्रूज पर कार्रवाई की। एजेंसियों के अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने आरोपियों के पास से 13 ग्राम कोकेन, 5 ग्राम MD, 21 ग्राम चरस, MDA की 22 गोलियां और 1,33,000 रुपए नकद जब्त किए थे। कल रात कोर्ट ने आर्यन को 1 दिन की रिमांड पर भेज दिया था। उम्मीद है कि आज आर्यन को जमानत मिल जाएगी। फिलहाल इस पूरे बारे में आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।